सो द वोक सीजन वन हुलू ओरिजिनल्स, हुलू ओरिजिनल्स की मैंने अर्लियर देखी थी कैसल रॉक सीजन वन. इट वॉज गुड वन, नॉट एक्साइटिंग वॉज समथिंग, इट वॉज गुड वन. स्टीफन किंग्स के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी. सो जब मैं ये कहता हूं कि आज के टाइम में और जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम में जब कुछ देखता था सीरीज वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये सीरीज उस डिफरेंस को खत्म कर देती है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटकॉम. एंड विद दैट, नॉट एनी दैट लेवल सिटकॉम एज द बिग बैंग थ्योरी और हाउ आई मेट योर मदर, टू एंड हाफ मैन, नॉट दैट लेवल, बट दिस इज द थिंग, दिस इज द सीरीज, द बेस्ट सीरीज ऑफ 2020 फॉर मी. ये सीरीज बात करती है इन सटायरिस्टिक वे, इन एक कंफर्टिंग अफर्ट टूवर्ड्स द इशू इन कम्युनिटी, जहां पे माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है जिस तरह से. अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो कम्युनिटी माइनॉरिटी है, उनको वहां पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है. एंड विद दैट जो कैरेक्टर्स है, लिमोन मॉरिस, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर मैन, ही इज ब्रिलियंट. मैंने उनको न्यू गर्ल में देखा था, आई हैव सीन हिम इन न्यू गर्ल, ही वाज ब्रिलियंट एंड एक्सेप्शनली. एंड न्यू गर्ल वाज अमेजिंग सिटकॉम एज वेल. दोज डेज वर डिफरेंट मैन, दोज डेज वर डिफरेंट. न्यू गर्ल, टू टू एंड हाफ मैन, द बिग बैंग थ्योरी, दे वॉज अ गोल्डन डेज ऑफ ऑल दोज एक्सट्रीमली चेरिश सिटकॉम्स. सो आई वॉज सेइंग अबाउट द वोक. वोक इन द सेंस, मतलब हम क्या बोलते हैं, जग जाना, मतलब आत्म क्या हो जाता है ना, मैं आत्म साक्षात्कार हो जाना, मतलब हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हम किस तरह से रह रहे हैं, ऐसा वोक इन द सेंस. सो वो ये कैरेक्टर स्टोरी है कार्टूनिस्ट के बारे में, अ ब्लैक कार्टूनिस्ट जो प्ले किया है लिमोन मॉरिस ने. एंड उसके साथ में जो जो इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में, एक टॉप नॉच कार्टूनिस्ट से लेकर के एक वोक पर्सन होने के बाद में वो किस तरह से किस किस फेजेस से जाता है, एंड उस फेजेस के ट्रांजिशन के टाइम पे उसके लाइफ में जो जो चेंजेस होते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड इट्स एब्सोल्यूट ब्रिलियंट, इट्स एब्सोल्यूट ब्रिलियंट. मतलब एपिसोड 7 में एक कैरेक्टर, मतलब उन्होंने एक चीज के बारे में पॉइंट किया है, इस सीरीज में बहुत अच्छे से पॉइंट किया गया है जो सोशल इश्यूज रहते हैं. ऐसे ही सिटकॉम्स अच्छे लगते हैं जहां पे सोशल इश्यूज को पॉइंट करके सटायरिस्टिकली कंफर्टिंगली आपको बताया जाता है कि ओके, दिस इज द थिंग हैपनिंग अराउंड, यू हैव टू नो अबाउट इट. सो लोग इतने ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी चीज रहने दो, या कोई भी चीज रहने दो, या कोई भी एनिमल, वहां पे ह्यूमंस के ओपिनियन के ज्यादा ह्यूमंस का रश, ह्यूमंस की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइपर टेंडेंसी जो दिखाई देती है, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. कभी बोल के क्वाला है उसके थ्रू, इतना इफेक्टिव एंड इतना सुपर एपिसोड है ना एपिसोड 7. एपिसोड बीच के जो कुछ एपिसोड है उनमें कैरेक्टर डेवलपमेंट्स किया गया है, एंड इट्स गुड एज वेल. उसके बाद में एपिसोड 1-2 में जो इंसिडेंसेस होते हैं उस कैरेक्टर के साथ में जो लिमोन मॉरिस ने प्ले किया है, एंड ब्लेक एंडरसन इज फैंटास्टिक इन दिस वन. वन वियर्ड जंकी गाय हु इज रूममेट ऑफ लिमोन मॉरिस कैरेक्टर, ही इज फिनोमिनल इन दिस वन. एंड द एम्बियंट ऑफ द शो, द वाइब ऑफ द शो, द होल इफेक्ट ऑफ द शो, इट्स फैंटास्टिक. इन 2020 आई वॉज डेस्परेटली वॉन्टेड समथिंग लाइक दैट. मतलब कुछ अलग ही टेंजेंट पे दुनिया चली गई है, भूल ही गए लोग, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है यार, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट्स फॉर श्योर. एंड इन दैट टाइम आई नीडेड समथिंग लाइक दैट. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट आई फाउंड आउट द शो दैट वे, एंड इट्स फैंटास्टिक शो. इफ यू हैव सीन दिस शो, लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज एंड थॉट्स अबाउट इट. बस यही बोलूंगा मैं, अगर बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा इसके बारे में तो पूरा का पूरा स्टोरी प्लॉट एक्सपोज जाएगा. डू वॉच इट, एंड थैंक्स मी, थैंक यू फॉर रिमाइंडरिंग मी.
The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Chuck, Two and a Half Men, and lot of shows of those time when I was in college, when I was in school, I used to watch those shows. Thank you, thanks a lot for reminding me all that. And it's a fantastic show, The Woke Season 1. Let me know in comment box. Peace.